लगभग 400 से 500 साल पहले टाइटैनिक जहाज तो थे नहीं, तो उस समय लोग जो अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए क्या पालना का इस्तेमाल करते थे। एक तरीके का जहाज होता है जिस पे, मान लीजिए ये हमारा जहाज है, इस पे लोग ऐसे तिरपाल बांध देते थे। क्या करते थे? तिरपाल बांधते थे, हवा की वजह से ये मूव कर पाते थे। तिरपाल बांधा होता था तो हवाओं के प्रेशर से आगे बढ़ता था। किससे बढ़ता था? इस पे हवाएं टकराती थी तो इसको कंट्रोल करके ये लोग आगे पीछे बढ़ते थे। हवा के प्रेशर से आगे पीछे बढ़ता था तो हवाओं के प्रेशर से आगे बढ़ता था उसी हवाओं के साम जिधर हवा चल रही है उधर ही ले जाया जाता था। व्यापारी मध्यकाल में इस जहाजों पर घोड़े लाद के ले जाया और लाया करते थे। उस समय गाड़ी गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, जो गाड़ियों और बाइकों का व्यापार होगा, तो घोड़े थे तो घोड़ों का व्यापार होता था। समुद्र में सब कुछ ठीक था। जब वो जा रहा था इधर से चलाए तो ये सब कुछ ठीक था, ये इधर से आता आता यहाँ पहुंच गया। बस जैसे ही वो 35 से 35 डिग्री वाले लैटिट्यूड में घुसा, हुआ क्या, उसकी नाव डगमगाने लगी। अब वो परेशान हो गया, भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इधर उधर भगदड़ मच गई, उसकी नाव डूबने लगी। इधर उधर घूम घूम घाम पर नाव डूबती जा रही थी, इधर उधर गया, इधर गया, उधर गया। इसमें जैसे पहुंचा नाव डगमगाने लगी, तो उसने क्या सोचा, सोचा अपना राशन पानी जो है वो हम फेंक देते हैं तो शायद हम जो है बच जाएंगे, जो नाव का लोड है वो कम हो जाएगा तो बच जाएंगे। तो उसने अपना राशन पानी सारा फेंक दिया ताकि नाव हल्की हो जाए और वो बच जाए। लेकिन जब फिर भी उसकी नाव डगमगाती रही, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर एरिया है, नाव के ऊपर ये नाव है मान लीजिए, इसके ऊपर से हवा का दाब पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो नाव इधर उधर डगमगाएगी ही, ठीक। तो नाव डगमगा रही थी, फिर उसने सोचा जो हमारी घोड़ियाँ हैं, कौन है, घोड़ियाँ, उनको फेंक देते हैं। सोचिए घोड़ियों को सोचा फेंक दें, तो उसने घोड़ियों को भी अपनी फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ, मजबूरी थी तभी उसने फेंका, वरना मत नहीं फेंकता। लेकिन जब उसने अपने घोड़ियों को भी फेंक दिया, उसके बाद भी उसका नाव डगमगाता रहा, वो नहीं संभाल पा रहा था अपने नाव को, तो फिर से मजबूरी आ गई। तब उसके पास जो घोड़े वगैरह बचे थे तो उसने अपने घोड़े भी ये उठा उठा के फेंकना शुरू किया, मजबूरी में घोड़े को फेंका। इसके बाद भी जब नाव डोलना बंद नहीं हुआ तो वह नाव लेकर भागा और ऐसे जैसे करके इस हॉर्स लैटिट्यूड को पार कर गया, ठीक है। तो इस हॉर्स लैटिट्यूड को अपना जब इधर उधर पार कर गया, तब उसको रिलैक्सेशन हुआ कि चलो हम बच गए। वह यह सोच रहा था कि उसने घोड़े फेंक दिए और अपना सामान सब फेंक दिया, इसकी वजह से वह बच गया। लेकिन ऐसा नहीं था, इसकी वजह से वो नहीं पता बचा था। जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं, तब उन्होंने बाद में बताया कि जो इक्वेटर है वहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो राइज अप करती हैं ऊपर, फिर वो आसमान में चली जाती हैं। वो क्या हुई, आसमान में उठी हवाएं, हवाएं उठी, वो राइज अप हुई, वो हीटेड अप, हीट अप थी, सन की रेज पड़ती हैं डायरेक्टली इक्वेटर पे, तो यहाँ की हवाएं उठी। जब हवाएं उठी तो ऊपर उठी तो कूल डाउन अप हुई, जब कूल हुई तो वो जाके कहाँ पे गिरी जाके, तो वो जाके हमारे इस वाले रीजन में 30 से 35 वाले रीजन में जाके गिरी जाके, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। कौन सा एरिया, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया था ये, हाई प्रेशर एरिया, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पे नाव के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था इसलिए नाव ऐसे से डगमगा रही थी, लेकिन वो बेचारा समझ नहीं पाया। मतलब तो ये डर इसलिए गया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया थोड़ा है, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि एक लैटिट्यूड लगभग 111 किलोमीटर था, होता है कितना होता है 111 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जो डिग्री है ये 5 किलोमीटर छोटा एरिया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इसको क्रॉस करने में। तो 5 डिग्री लगभग 555 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का एरिया उसको क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ा होगा। तो यही था हमारा हार्स लैटिट्यूड, तो उसने अपने घोड़े वगैरह फेंक दिए थे बचने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हार्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। तो सबसे पहले उसने अपनी घोड़ियाँ बेची थी, ये बात आप याद रखिएगा, बाद में उसने अपने घोड़े जो है नाव में नदी में समुद्र में फेंक दिए। तो ये हमारा हॉट लैटिट्यूड था।
आशा करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।